The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, I'm Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Welcome back. Dosto, aaj hum baat karenge ek bahut zyada important topic. Bahut logo ne humse request kari hai. Sleep पैरालिसिस के बारे में बनाने के लिए वीडियो. सो स्लीप पैरालिसिस क्या है? स्लीप पैरालिसिस एक कंडीशन है जो बेसिकली जहां पर आप अपनी बॉडी को या अपने मतलब आप यू आर नॉट एबल टू मूव और स्पीक राइट एज यू आर फॉलिंग अस्लीप और वेकिंग अप. या तो सोते सोते ऐसे. सो दैट इज स्लीप पैरालिसिस. यस, स्लीप पैरालिसिस होता है कि व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. कई बार बोलते हैं ना कि यार तुमने सोते सोते ना ये किया, तुमने मैंने तुमको बोला था तुम उठे नहीं. क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं. सो यस, यू डोंट रिमेंबर. आपको कतई याद नहीं होगा कि क्या हुआ था. दिस इज बेसिकली एन एपिसोड ऑफ स्लीप पैरालिसिस. और भाई साहब, ये सबके साथ हुआ है. आपके साथ भी एवरीबडी, सबके साथ हुआ है ये स्लीप पैरालिसिस. आज नहीं तो कल मेरे साथ भी हुआ है. सो यू डोंट नो व्हाट इट इज, बट देन दैट इज राइट. स्लीप पैरालिसिस इज स्लीप पैरालिसिस. सो क्यों होता है ये समझ गए ना? स्लीप पैरालिसिस, यू नॉट एबल टू स्पीक. आप बोल नहीं पाते प्रॉपरली राइट, सही तरीके से. यू माइट बी एबल टू कुछ वर्ड अचट क्या ऐसे हो जाता है फिर अदर पर्सन इज व्हाट हेल इज ही. चलो सो जा समथिंग लाइक दैट. सो स्लीप पैरालिसिस ये है, यू माइट नॉट बी एबल टू मूव प्रॉपरली. ये बोला हट जा तो आपने अगर ऐसे करके ओके. So that is the thing, you want to but you can't. So why does it happen? Because you are not totally aware, right, of what is happening. आपको नहीं पता क्या हुआ. So sleep paralysis इतना common चीज़ है, किसी ना सबको एक ना एक बार हुआ है. So exactly क्या cause करता है? Number one reason is not getting enough sleep. अगर आप properly नहीं सो रहे हो, properly कुछ दिनों से नहीं सोए हो, then हो सकता है आपको एक बार में ऐसी गहरी नींद आए, भाई साहब स्लीप पैरालिसिस जैसी एक एपिसोड हो जाए, राइट? एग्जैक्टली एक रीजन को पिनपॉइंट नहीं कर सकते कि वो कारण है. नहीं, वो कारण है. अच्छा इसको हटा दो, ये नहीं होगा. अच्छा तुमने चाय, अच्छा तुमने ये, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है. सो देर इज नॉट अ सिंगल रीजन, देर आर फैक्टर्स लाइक नंबर वन, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, नॉट गेटिंग इनफ रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेना. नंबर टू, इररेगुलर स्लीप शेड्यूल है. कभी नाइट ड्यूटी, कभी मॉर्निंग ड्यूटी, कभी आफ्टरनून ड्यूटी, डॉक्टर वाली ड्यूटी, वट एवर, राइट? सो इररेगुलर स्लीप शेड्यूल, मेंटल स्ट्रेस. नंबर थर्ड फैक्टर इज योर मेंटल स्ट्रेस. दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस है, चिंतित हो, दैट इज ऑल्सो डिप्रेस्ड हो, या फिर आप सीधा सोते हो, उल्टा सोते हो, स्लीपिंग ऑन योर उल्टा बैक पे, सॉरी, स्लीपिंग ऑन योर बैक, बेसिकली दैट्स व्हाट आई वांट टू से. अब सीधा उल्टा क्या बोलूं उसको, बैक पे सो रहे हो, बैक पे, राइट? आप अपने बैक पे सो रहे हो तो भी दैट इज वन थिंग जिसमें स्लीप पैरालिसिस हो रहा देखा गया है, राइट? व्हाट डू मीन बाय बैक पे सोना? ऐसा सोना, राइट? आई होप यू गॉट इट. और राइट, सो कुछ मेडिसिन भी, कुछ दवाइयां भी एसोसिएटेड होती हैं स्लीप पैरालिसिस से. स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे कि नार्कोलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं दैट, देन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, जैसे लोगों को किसी को फट से गुस्सा आना, फट से आराम हो जाना, खुश हो जाना, गुस्सा हो जाना. नार्कोलेप्सी मतलब एक्सट्रीम स्लीपीनेस, बहुत ही ज़्यादा सो रहे हैं. पैनिक डिसऑर्डर्स, PTSD, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस, या फिर ADHD और इवन ADHD की दवाइयाँ से स्लीप पैरालिसिस हो सकता है. कुछ स्लीपिंग पिल्स से स्लीप पैरालिसिस, सब्सटेंस यूज, दारू पीने के बाद स्लीप पैरालिसिस, ड्रग्स लेने के बाद स्लीप पैरालिसिस बहुत कॉमन है. स्लीप पैरालिसिस इज नॉट अ मेडिकल डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है. ये बेसिकली एक आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस है, हुआ, ठीक हो गया, उसके बाद जरूरी नहीं है रोज होगा. सो इट्स नॉट अ डिजीज, ये कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है इसको. तो क्या होता है स्लीप पैरालिसिस, सिम्टम क्या होगा? सिम्टम मतलब देखो, नॉर्मल स्लीप साइकिल के अंदर स्टेजेस होते हैं. मतलब एक होता है लाइट ड्राउजीनेस, थोड़ा सा अच्छे ठीक है मेरी नींद आ रही है यार, लाइट ड्राउजीनेस. उसके बाद डीप स्लीप, हिलाया 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 उठ ही नहीं रहा. सो डीप स्लीप, राइट? ड्यूरिंग दिस
ड्यूरिंग द स्टेज, जहां पर एक रैपिड आई मूवमेंट स्टेज बोलते हैं, REM, रेम स्लीप एक स्टेज होती है, राइट। इसमें क्या होता है, आई मूवमेंट घप 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 ऐसे ऐसे हिलती है, डंग 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 डंग, बंद आई में मूव होते दिख जाएगी आपको। दैट इज वेयर लोग बोलते हैं सपना दिख रहा है, सपना दिख रहा है। यस, जहां पर विविड ड्रीम्स आ सकते हैं उधर सबसे कॉमन रेम स्लीप, REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप पे होता है। और हर रात को हर एक इंसान को ये सेवरल स्टेजेस में ऊपर नीचे होते रहते हैं, रेम स्लीप बाहर, रेम स्लीप बाहर, रेम स्लीप बाहर, ऐसे होते रहते हैं, नॉन रेम स्लीप एंड रेम स्लीप, ऐसा होता रहता है। रेम स्लीप में बॉडी इज रिलैक्स्ड, मसल्स डोंट मूव, बॉडी इज रिलैक्स्ड, मसल्स डोंट मूव एट ऑल, हिलती नहीं है मसल्स, एकदम रिलैक्स होती है। और स्लीप पैरालिसिस ये तब होता है, और कब होता है स्लीप पैरालिसिस, रेम स्लीप में नहीं होता एग्जैक्टली, इट हैपेंस ड्यूरिंग द शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ द फेजेस, मतलब जब साइकिल रेम स्लीप से नॉन रेम स्लीप या नॉन रेम से रेम स्लीप में जा रही है ना, तब आपका स्लीप पैरालिसिस होता है, क्योंकि तब रेम स्लीप में तो मसल हिलेगी नहीं, दूसरी नॉन रेम स्लीप में यू आर लिटिल बिट कि हाँ मसल्स आपके थोड़े कंट्रोल में है, तो बीच में क्या है, कंट्रोल में है भी या नहीं भी, तो टंग की मसल्स भी, ये मसल्स भी कंट्रोल में है भी और नहीं भी, बीच में अच्छा हाथ उठा रहे हैं यार, यहाँ से मार रखना, अच्छा ठीक है अभी, अरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज स्लीप पैरालिसिस ऑकर्स व्हेन देयर स्लीप साइकिल इज शिफ्टिंग बिटवीन स्टेजेस, राइट। एंड वेन यू वेक अप सडनली फ्रॉम रेम स्लीप, तो भी ये होता है, योर ब्रेन, मतलब रेम स्लीप में योर ब्रेन इज एकदम से उठा दिया किसी ने, एकदम REM स्लीप में थे, डीप स्लीप में थे, तो उठा दिया, आपका ब्रेन तो उठ गया मगर बॉडी अभी भी लूज है, REM मोड में है, और अभी आप हिल नहीं पा रहे, एक मिनट रुक जा, ऐसा लगता है अरे क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया, हाथ क्यों नहीं हिल रहा, फिर थोड़ी देर बाद हिलने लगता है। सो दैट इज स्लीप पैरालिसिस, दैट इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग टू यू, नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन ऑफ स्पेसेस, राइट। एपिसोड्स इसके कितने देर रहेंगे, कुछ सेकंड से ज्यादा एक मिनट, दो मिनट उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कुछ सेकंड रहते हैं ज्यादातर केसेस में, और ये ठीक हो जाते हैं अगर उस एरिया को आप थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करो, टच करने की कोशिश करो, तो वो एरिया हिलने लग जाते हैं, देन यू आर एबल टू टॉक, देन यू आर एबल टू मूव, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ ड्रीम लाइक सेंसेशन कि यार ये क्या हुआ, एकदम से डर जाना। मान लो आपको कोई ड्रीम आ रहा, भूत आ रहा, और उसमें आपको उठे और हिल ही नहीं पा रहे, आपको लगा ये क्या हो गया एकदम से, तो यू माइट बी गेटिंग स्कैर्ड कि मैं हाथ नहीं हिला पा रहा, एंड दैट इज द रीजन वाई पीपल आर आस्किंग अबाउट दिस अगेन एंड अगेन कि भाई ये क्या है, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट हैपेंस टू एवरीवन, मुझे भी हुआ है, बट मैं देखो आपके सामने हट्टा कट्टा खड़ा हूँ, सो नो बिग डील, यू आर ऑल्सो सेफ, आपको कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना है तो चले जाओ। इसमें क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप स्टडी कर सकते हैं, एक नार्कोलेप्सी के लिए स्लीप स्टडीज कर सकते हैं, बट मगर अगर नार्कोलेप्सी या स्लीप स्टडी, वैसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, बट देन करने के लिए वो एक टेस्ट है स्लीप स्टडी में कि आपकी बॉडी के अंदर तब क्या हो रहा है, राइट। देन ट्रीटमेंट, अगेन स्लीप पैरालिसिस इज सो डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए कि आपकी सिंपल नींद पूरी होनी चाहिए, रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए, और अगर करना ही है, लेना ही है, तो पहले कॉज पकड़ो, दवाई समझ लो, पहले कॉज को पकड़ो कि क्या कारण है, दारू तो नहीं पीते, ये तो नहीं हो रहा, उल्टे सीधे स्लीप साइकिल तो नहीं है, पैटर्न सही नहीं है क्या, और अगर कुछ टाइम पे दवाइयां दे सकते हैं हम REM स्लीप को प्रिवेंट करने के लिए, जी हाँ, कुछ टाइम पे अगर स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कुछ टाइम पे ऐसी दवाई आती है जो REM स्लीप जाने ही नहीं देती, तो दैट इज एक्चुअली नॉट द बेस्ट मेडिसिन, बट देन समटाइम्स इट इज़ यूज्ड, राइट, नॉट एग्जैक्टली। उसके अलावा कुछ मेंटल टेस्ट, हेल्थ कंडीशन, मान लो आप बहुत ही डर रहे हो, एंग्जाइटी, नहीं नहीं मुझे तो कुछ हो गया है, मेरा तो ये खराब हो गया, मैं तो पागल हो गया, या फिर सिंपल साइकोलॉजिकल थेरेपी, टॉक थेरेपी, काउंसलिंग, वो कर सकते हैं मेंटली आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए स्लीप पैरालिसिस। तो इसमें कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है आपको ये फिर होगा, और हो भी सकता है, ऐसे कोई गारंटी भी नहीं है। इसको बेसिकली हम पैरासोमनिया भी कहते हैं, या स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। यू आर नॉट सिक और आई डोंट वरी अबाउट इट, तो कुछ नहीं होने वाला है आपको, कुछ दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, जस्ट तीन चीज़ें करो। नंबर वन, सही टाइम पे खाओ, सही टाइम पे सो, सही टाइम पे एक्सरसाइज करो। नंबर टू, स्ट्रेस मत लो, मेंटली फिट रहने की कोशिश करो, योगा करो, थोड़ा हंस खेल लो, थोड़े बच्चे घुमा लो, थोड़े कुत्ते घुमा लो, डॉगीज, वट एवर इट इज, वट एवर मेक्स यू हैप्पी, वॉच सम फन थिंग्स, प्ले सम थिंग्स विथ योर फैमिली, राइट, मेक सम क्वालिटी टाइम, राइट, क्वालिटी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, माइंड डाइट का वीडियो देखो, माइंड डाइट फॉलो करो हमारा,
पतले हो जाओ, मोटे हो, तो एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाओ, दारू वारू ड्रग्स वग्स जो भी लेते हो उल्टी सीधी चीज़ें बंद कर दो, कतई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अपनी बहुत ज़्यादा मोटे हो, खर्राटे लेते हो, तो सीधा मत सो। सीधा सोने में क्या होता है, गर्दन पीछे लटक जाती है, एंड दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट? स्लीप एपनिया हो सकता है ना, दैट इज अ थिंग। तो उसमें एक लेफ्ट लैटरल पोजिशन में सोना होता है, ओनली इफ यू आर वेरी 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 ओबेस, बहुत ही मोटे हो तो, वरना जरूरत नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्लीप पैरालिसिस, नथिंग एल्स टू बी टोल्ड। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर करना है, लाइक करके जाना। भी लाइक नहीं करते हो ना तो ये दूसरों को रेकमेंड नहीं होती है, राइट? यू वॉन्ट टू डू दैट, राइट? यू लाइक फॉर पीपल, लाइक फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।